राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये वृंदाये तुलसीदत्तये प्रियाये केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बलहरि कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरि राम हरि राम 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 बलहरि कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरि राम राम राम। पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर गत श्री 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 माध भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर गत श्री 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 माध भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को भी यथाजी के प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत कथा की महिमा। कभी जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है कभी ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये जितने वेद पुराण उपनिषद की ये सार है। एक श्लोक तुमको पता होगा अर्थाय ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूप श्लोक परिपूर्ण ऐसे खाता नोट बनाओ एक छोटा सा जिसमें ये सब चीजों ना सूक्ष्म रूप में तुम लोग लिख करके रख सकते हो। जैसे कथा बोलो केवल उसको देखते ही जैसे हिंट मिले हिंट मिलते ही जैसे उसको तुम लोग बोल सकते हो। जैसे ये श्लोक तुम लोग इसकी व्याख्या से तुम लोग जानते हो। दूसरा श्लोक जो है बोले कृष्णा स्वधाम उपगते ये श्लोक पता होगा। कृष्णा स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलो नष्टा निस्तामेश पुराण भारत विनाशित। श्लोक की व्याख्या भी जानते होंगे और श्लोक की श्लोक कई भागवत में लागू कर सकते हो। जैसे भगवान युग युग में जब जब धर्म की हानि होने लगता है अधर्म का प्रबल हो जाए फिर भगवान अलग अलग समय पर अलग अलग रूप लिया। जैसे भगवान कभी मत्स्या अवतार लिया है। बोले क्यों मत्स्या अवतार लिया? बोले जब चार वेद को शंखासुर ने हरण करके ले गया था उस समय भगवान ने मत्स्या अवतार धारण करते हुए वेद उदाहरण कुर्मा अवतार में जिस समय मंदराचल पर्वत नीचे जा रहा था भगवान कुर्मा अवतार प्रण करते हुए मंदराचल पर्वत को पृष्ठ में धारण किया। वराह अवतार ये पृथ्वी जब रसावल में चली गई थी भगवान वराह अवतार को लेकर के उन्होंने क्या किया पृथ्वी को उन्होंने उधार किया। नरसिंह अवतार भक्तों को रक्षा करने के लिए और हिरण्यकश्यप को वध करने के लिए आए हैं। वामन अवतार बलि महाराज को कृपा करने के लिए। रामावतार रावण को ध्वस्त करने के लिए। जैसे भगवान युग युग में अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं कहते उसी तरह ये कलयुग में जीव को कल्याण करने के लिए जिस समय भगवान कृष्ण स्वधाम उपगते जब भगवान कृष्ण अपना धाम में चले गए बल्कि ये
श्लोक कब कह रहे हैं, जिस समय कृष्ण अभी जगत छोड़ कर जाना चाह रहे थे, तभी वहां पर उद्धव जी वहां पर थे। तब उद्धव जी कृष्ण से प्रश्न करते हुए, प्रभु हम तो सारा जीवन एकट रहे, खाए पिए सब कुछ किए, अब तो अभी जा रहे हैं, अब मेरा तैयार कैसे? तो कृष्ण कहते हैं, उद्धव कोई चिंता मत करो, मैं एक स्वरूप में तो जा रहा हूँ, लेकिन कलयुग में दूसरे स्वरूप में भी जगत में विद्यमान रहूंगा। बोले किस रूप में रहोगे प्रभु? बल्कि श्रीमद भागवत ग्रंथ रूप। इसलिए कहते हैं श्रीमद भागवत ग्रंथ रूप में कृष्ण स्वयं इसी भागवत ग्रंथ रूप में प्रकट होकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जीव को परमेन भगवान कलयुग में जीव कल्याण करने के लिए किस रूप में जगत में विद्यमान है? बोले वाममयी मूर्ति। जैसे तुम लोग को श्लोक याद होगा, जैसे भगवान की आठ स्वरूप है, आठ रूप में प्रकाशित है, कौन सा कौन सा? ये श्लोकों को ना ये श्लोक याद है, इसलिए उसी तरह कभी ये श्रीमद भागवत किस रूप में जगत में विद्यमान है? बोले तेन अयम वाममयी मूर्ति। भगवान जगत में ये सप्त ब्रह्म रूप में, ये अक्षरात्मक रूप में ये जगत में विद्यमान है। बोले क्यों? बोले जीवों को कल्याण करने के लिए कृष्ण स्वयं ये सप्त ब्रह्म रूप में जगत में अवतीर्ण हुए हैं। जब जो भागवत है कहते, और ये श्लोक तुम लोगों को पता होगा, तमादि देवम अपार संसार समुद्र से भागवतम स्वरूपम। इसलिए हम लोग पहले से बहुत सीख जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, तो यही चीज ही भागवत में हम लोग सब जगह पर लगा देते हैं। इसलिए बोले तमाश देवम करुणा निदानम तमाल वर्णम सुविधावतारम, बोले अपार संसार समुद्र से तो अगर ये भवसागर से कोई पार होना चाहते हैं तो ये भागवत है क्या चीज? बोले अपार संसार समुद्र से तो जिस संसार का कोई साधारण जो समुद्र का एक कोल एक किनारा है, लेकिन ये जन्म मृत्यु का जो कोई कोल किनारा से है नहीं। अनादिकाल से हम भगवान से भूल करके 14 ब्रह्मांड और 84 लक्ष जन्म भटक रहे हैं। अगर ये सागर से कोई पार होना चाहते हैं कभी जो सेतु स्वरूप है, कभी भागवत को क्या बताया, ये सेतु स्वरूप है, ये सेतु कभी डूब नहीं सकती है। साधारण जहाज हो, साधारण बोट हो, डूब सकती है, लेकिन बाप थोड़ी डूबेगी, कुछ डूबेगी नहीं। इसलिए ये भागवत को अगर कोई आश्रय ग्रहण करे तो क्या होगा, आसानी से संसार से चलते 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 ये भवसागर से जी पार हो जाएगा। इसलिए तमादि देवम तमादि देवम करुणा निदानम तमाल वर्णम सुविधावतार। इसलिए श्लोकों को तुम लोग जानते हो, ये श्लोकों को आप लीला से बोलते हो। कहते ये भागवत में ये 11 मास के अंदर में एक श्लोक है, बोले श्रुत अनुपठित ध्यात ध्यात बोले श्रुत अनुपठित ध्यात आद्रितवा अनुमोदित सद्य पुनाति सद्धर्मं लिखा श्रुत अनुपठित ध्यात आद्रितवा अनुमोदित सद्य पुनाति सद्धर्मं जानति विश्व द्रोह अपि ही जानति विश्व द्रोह अपि ही। ये एकादश स्कंध ये भागवत की महिमा बता रहे हैं। अगर ये भागवत कथा को कोई सुने श्रोता, अगर ये नहीं हो अनुपठिता, अगर भागवत ग्रंथ को कोई पढ़े, अगर इतना भी नहीं हो मतलब आद्रितवा अनुमोदित, अगर कहीं भागवत कथा हो रही है
अगर इतना किसने बोल दिया, आदर कर दिया, बहुत अच्छी बात है, कथा हो रही है, अनुमोदन अगर कर दिया, आदर भी कर दिया, कथी भागवत धर्म की इतनी महिमा, इतने महिमा, बोले सत्य गुणाति सद्धर्म, अगर इतनी सी बात बोल दिया तो उसी समय में ही वो संपूर्ण रूप में पवित्र हो जाता है। कभी जाति विश्वद्रोह की, वो व्यक्ति विश्वद्रोह क्यों नहीं किया, कभी उसने देवद्रोह क्यों नहीं किया, जितने बड़े से बड़े पाप क्यों नहीं किया, अगर इतनी सी अगर कोई बात बोल दे, कहीं भागवत कथा हो रही है, केवल आदर और अनुमोदन भी कर देना, उसी समय में ही वो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित होकर के भगवत से प्राप्त हो जाते हैं, केवल आदर और अनुमोदन से ही। इसलिए कहते और कहते और ये तुम लोगों को पता हो, सकल साधन श्रेष्ठ यही पंच अंग कृष्ण प्रेम अल्पसन, जो पांच तरह का जो साधन बताया, क्या क्या बोलो, मतलब साधु संघ नाम संघ की बोलो, पहले क्या है, मथुरा वास साधु संघ जितने साधन में जो पांच तरह का जो भक्ति का अंग है, अगर पांच तरह का भक्ति अंग से अगर कोई एक भक्ति अंग अगर श्रद्धा पूर्वक कर दिया तो क्या होगा, उसको जीव का मंगल हो जाए है। इसलिए अल्प संग थोड़ी सी संग से जीव का कल्याण हो जाएगा, लेकिन उसमें एक अंग किया भागवत है। अगर कोई भागवत कथा को थोड़ी सी अगर श्रद्धा पूर्वक अगर ये कथा को सुन ले तो क्या होगा, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जिसको उसको कौन कह रहे हैं, ये कृष्णाचार्य गोस्वामी का हमारे भक्ति रसानंद संघ में श्री रूप गोस्वामी की बात को कह रहे हैं। कहते चैतन्य भागवत में, चैतन्य भागवत में वहां पर बता रहे भगवान जब ये जगत छोड़ कर गए, उन्होंने अपने आप को कहां रख कर गए, कहां बोलो, कहां रख कर बोलो, भागवत रमण जैसे करके भागवत इसमें इसमें भगवान जो गए इस जगत में, भगवान अपना स्वरूप चार स्थान में रख कर गए, कहाँ पर है, बोले भागवत तुलसी गंगा भक्त भजन चतुर्था विग्रह कृष्ण कई चार स्थान। इसलिए कहते भागवत गंगा तुलसी और भक्त शुद्ध भक्त, कहते ये चार स्थानों में भगवान अपने आप को रख करके ये चार स्थानों में रख करके ठाकुर जी जाते हैं। उसमें एक क्या है, ये भागवत, ये चैतन्य भागवत में बताए तो तुम लिखते हैं, ऐसे नहीं बोल रहा, कल एक एक कर पूछूंगा सब, करने का कान पकड़े खड़े कर। इसलिए कहते ये चार स्थान पे, और इस चार स्थान में उसमें एक स्थान क्या है, ये भागवत है, ये भागवत में भगवान की भागवत में ये निवास, ये श्रीमद् भागवत में। इसलिए कहते ये जो श्रीमद् भागवत है, तुम लोग ये श्लोक पता है, कहते निगम कल्पतरु दलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम श्रीमद् भागवतम रसमालयम मुहुरम रसिका मुहि भागवता। इसलिए भागवत को क्या बताया, अरे निगम कल्पतरु दलितम फलम, ये जो भागवत है वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है, इसको पका हुआ फल बताया। और भागवत को क्या बताया, निगम कल्प सरोज, कहते भागवत को कल्प वृक्ष के साथ में उदाहरण दिया है, कल्प वृक्ष के साथ में उदाहरण दिया। कल्प वृक्ष का मतलब क्या है, आप इससे जो कुछ आप मांगोगे भागवत आपको वही चीज प्रदान कर देते हैं, इसको कहते हैं कल्प वृक्ष। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कैसे ही करके भागवत का कल्प वृक्ष है, कि जो मांगोगे वो तो दे सकता है, लेकिन पहले हमें ये सीखनी चाहिए भागवत से मांगे तो मांगे क्या,
इसलिए कहते भागवत से हमें छोटे मोटे चीज भागवत से नहीं मांगनी चाहिए। इसके लिए उदाहरण देते हैं, कहते एक समय कोई गरीब ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण ने उन्होंने उपासना की, किसको उपासना की, स्वर्ग में जो किसको बोलो किसको कुबेर को उन्होंने उपासना की, धन कुबेर। अभी धन कुबेर प्रसन्न हो गया, बोले बेटा क्या मालूम, लेकिन बेचारा ये गरीब ब्राह्मण उसको पास में एक गैया थी, तो उन्होंने बोले कि मेरे पास में एक गैया है लेकिन खाने के लिए इसको पास में कोई चुनाव उसी ने इतना चुनाव उसी व्यवस्था कर, देखो मैं इतना बेसुख, देखो कहा धन कुबेर मैं इतने धन दौलत दे सकता हूँ, तो भी खा तेरे बेटे के बेटे के बेटे भी खा तभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन फिर क्या मांगना, चुनाव भूसी मांगना। इसीलिए कहते भागवत तो कल्प वृक्ष है, लेकिन ये कल्प वृक्ष को पास में हमें साधारण चीज नहीं मांगनी चाहिए, इसको पास में ऐसे एक चीज प्रार्थना करो जो एक चीज मांगो तो सारी चीज उसको पास में मिल जाए। बोले वो क्या है, बोले भगवत भक्ति का भगवत प्रेम की प्रेम सेवा है। यहाँ पर कह रहे हैं कि कल्प वृक्ष क्या होता है, तो उसके लिए एक छोटी सी कथा सुनाए हैं, गुरुदेव से भी कथा सुनाए थे। एक समय कोई एक व्यक्ति जंगल में राजा को शिकार करने गया, शिकार करते करते बहुत दूर तक उसने चला गया। अभी शाम हो गया तो सारा दिन शिकार करते करते थक गया, अभी बड़ा प्यास लग रहा है, भूख लग रहा है, एक वृक्ष के नीचे उसने बैठ गया, लेकिन उसको पता नहीं था कि कल्प वृक्ष है। जो वृक्षों के नीचे बैठ गया उसको पता नहीं था कल्प वृक्ष, अभी प्यास सारा तड़पा रहा था, वो सोच रहा है अगर ये राजभवन होता ना, अभी मेरी दासी आ रहा है, कितने सुंदर हमें सुंदर शरबत ला कर देते, कितना सुंदर जूस देते हैं, यहाँ कहाँ मिलेगा, इतना इच्छा करके देखा सचमुच से सुंदर सुंदर लड़कियाँ अवसर ही अवसर गिर जा रही, और सुंदर जूस ला करके बोले महाराज इच्छा करके मिल गया। फिर सोचता है अगर मैं राजमहल में होता तो मेरे को रानी छापान भोग और छत्री से व्यंजन बना के खिला, और इच्छा करके देखा सचमुच से छापान भोग और छत्री से व्यंजन सामने, बोले जो मांगता हूँ वही मिल जाता है। फिर सोचा अगर मैं रात जो खा लिए, सोचता है अगर मैं राजमहल में होता तो कितना सुंदर मखमल है, कि सुंदर बेड होता, पलंग होता, वो पलंग को घर में सो जाता, अगर राजभवन में होता तो इतना बोलते ही सचमुच से कहाँ से गजदंत पलक है, गजदंत पलक वहाँ पर पहुंच गया। लेकिन जब सोने जा रहा था ना, इतने में वो तो जंगल था, इतने में एक शेर ने दहार मारी, वो शेर की दहार सुन कर के हे भगवान शेर नहीं आ गया, लेकिन वो वृक्ष पास था, कल्प वृक्ष जो मालोगे वही मिलेगा। इतने में बोले शेर नहीं आ गया, जब शेर नहीं आ गया तब सचमुच शेर आ गया है, शेर आ गया, बोले मेरे को खा नहीं जाए, इतना जो बोले मारा झटपट उसको। इसलिए गुरु जी कहते थे कि ये कल्प वृक्ष का एक विशेष अर्थ है, जो मांगो ये कल्प वृक्ष में वही दे देगा। अभी प्रश्न होते क्या भागवत है, इसे भागवत को तो कल्प वृक्ष बताया, कहते भागवत क्या ऐसे कल्प वृक्ष, बोले नहीं ये हमारी माँ है, ये माँ होने का नाते ना बच्चों के लिए जो अच्छा चीज वही देगा, ये कभी खराब चीज मांगने पर भी अगर पूजा करना तो इसको पूजा कर रहे भगवान को, ये कभी भी हमारे अमंगल ये कर ही नहीं सकते। इसलिए भागवत को यहाँ कल्प वृक्ष भागवत को मानी गई, लेकिन यहाँ से क्या मांगनी चाहिए, भगवान की प्रेम सेवा मांगनी चाहिए, ठाकुर जी चाहिए कि भक्ति मांगनी चाहिए। इसलिए कहते जो भागवत है कहते उसमें चार अक्षर है, इसमें दो श्लोक है भागवत के ऊपर, पता नहीं तुम लोगों को पता ही नहीं, तो उसको ले लो। उसमें कहते ये भाग भक्त, इसमें ये चार अक्षर है, लिख लो श्लोक। कहते जो भाव है बोले भाति सर्वेषु लोकेषु, लिख लो भाति सर्वेषु लोकेषु, बोले उसमें गलो गीयते नारदादि,
दियते नारदा दिव्य बले भा वरिष्ठ सर्वशास्त्र बले वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु लिप्ता बले तरणी च भवान नवा तरणी च भवान नवा लिख लिया ना। देखो इसमें ये कहते कहते जो भागवत में है क्या चीज, कहते मानो ये चार अक्षर में ये भागवत में है क्या चीज, कहते मानो ये चार अक्षर में ही भागवत अक्षर में ही ये विद्यमान है। बोले भा भा मतलब क्या होता है, बोले भारती सर्वेषु लोकेषु, बोले इसका मतलब है केवल हम ये मरते जगत में ही भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, कहते ऐसी बात नहीं। जिसका भाव भाग मतलब शोभायमान, जो शोभायमान सर्वेषु लोकेषु है, ये भागवत समस्त लोक में इसकी प्रकाश है, ये भाव। बोले क बोले गियते नारदा दिवी, बोले इसको दान करने वाले कौन है, बोले नारदा दिवी, जितने नारद सूर सनातन है चतुष्ह, जिसको ब्रह्मा स्वयं, जिस कथा को स्वयं ब्रह्मा स्वयं नारद सबके सब जिस भागवत कथा को गान करते हैं। बोले ब बोले ब मतलब वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु, वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु बोले जितने सारे शास्त्र है समस्त शास्त्र में ये भागवत ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसको तुम लोग बताने के लिए जैसे श्री व्यास जब जिस समय ये ग्रंथ रचना करने जा रहे थे उन्होंने सब ग्रंथों को रचना कर दी, लेकिन तब भी उनको शांति नहीं मिली। लेकिन जब उन्होंने ये भागवत ग्रंथ को रचना की तब उसको पूर्ण रूप में सभी उनको आनंद है। अगर कोई पार करना चाहते हैं सबसे दृढ़ नौका क्या है, इसलिए अपार संसार समुद्र से तो भजा मगे भागवतम स्वरूपम, ये अगर संसार से कोई पार करना चाहते हैं सबसे बढ़िया जो नाम है ये श्रीमद्भागवत माधवी हमारे ऑस्ट्रेलिया के दीदी नोट कर रहे हो कथा के सुना और नोट पर जाकर देश में कल इधर सुनते सुनते क्या करते हैं इसको भी देखते हैं ना, एक एक घर को पूरा कविजी बना देते हैं, नाम हाथ बना देते हैं, इसलिए लिखोगे तो घर में जाकर बोलोगे यहीं पर आदर्श मन तो यहीं पर खत्म करके चल जाओ। इसलिए आप चाहते इसको कथा सुनो और दुनिया में जाकर प्रचार करो। शशिकला दीदी आप भी और हमारे हैं सावित्री दीदी का जो नोट जो हल्ला हरे कृष्ण, इसलिए जैसे कि कभी ये एक आदमी है एक अर्थ हो गया। इसका दूसरा अर्थ है कहते हैं बोले भाव प्रकाशम लिख दिया, इसका दूसरा अर्थ बोले भाव भाव ना बोले भाव प्रकाशम याद है भाव प्रकाशम धुनति तत्व ग भाव प्रकाशम धुनति तत्व बोले ग भाव प्रकाशम धुनति तत्त्वम भाग गम क्या है बोलो गगस्य अस्ति गतिरस्य दुरतया गतिरस्य गतिरस्य ग बोले गतिरस्य दुरतया ब बोले परतर्ते सर्व सर्वे लोकस्मि परतर्ते सर्व सर्व लोकस्मि तस्मात् भागवतम् विदु तस्मात् भागवतम् विदु तस्मात् भागवतम् विदु इसलिए इसमें कहते हैं बोले भाव मतलब होता है प्रकाश है, जिसकी प्रकाश सर्वत्र, जिसकी प्रकाश की विद्यमानता, जिसकी प्रकाश सर्वत्र है। बोले गति रस्य दुरतया मतलब जिसकी गति, मतलब जो भागवत ग्रंथों को समझना
बहुत बहुत ही कठिन है, जिसकी गति समझना जिसको बहुत कठिन है। बोले बोला वर्तते जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ समस्त लोक में ये विद्यमान है। तस्मात् भागवतम विदुः, उसको ये भागवत बताया गया। इसलिए और भक्ता लोग भी भक्ति ज्ञान वैराग्य उसमें एक एक अक्षर में और बहुत सारी बात बता रहे हैं। ये एक अर्थ हो गया, ठीक है। ये जो भागवत ग्रंथ है, ये भागवत सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये भागवत कथा की कितने दुर्लभता है। भले स्वर्ग इस लोग कैलाशे वैकुंठे नास्ते मदर्थः, उसके बाद योन्ति सद्भाग्या मां मां मुञ्चते। ये जो श्लोक है ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। मतलब कहीं अगर भगवान कथा की महत्व बताने के लिए जाओगे, भगवत कथा की कितने महत्व है, बल्कि जो कथा स्वर्ग में भी नहीं, जिसके लिए हम लोग उदाहरण दोगे उसके लिए उदाहरण दे सकते हो। जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुनाने जा रहे थे, उस समय में क्या हुआ, स्वर्ग से सारे देवता लोग अमृत कलश लेकर के आए। बोलिए अमृत कलश पूरा टुकड़ा ले दो, लेकिन हमें भागवत कथा सुना दो, लेकिन नहीं सुना। इसका मतलब ये स्वर्ग में भी कथा नहीं। उसके बाद में सत्य लोग में भी नहीं, इसका प्रमाण किया है। प्यार याद है लिख लो, ये प्यार को ये गोस्वामी तुलसीदास जी की है। बोले कथा है तो विधि, इसको लिख लो, ये प्रमाण है गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रमाण है। बोले कथा है तो विधि भवन बिहाई, बिहाई बोले सुनी बत सार दे, दूसरे लाइन में सुनी बत सार दे आ बत धाई, आ बत धाई। इसका मतलब है अगर कहीं भागवत कथा हो यदि ये सत्य लोक में भी नहीं, गोस्वामी जी इसलिए कहते हैं कथा है तो विधि भवन बिहाई। अगर कहीं ये भागवत कथा हो, मतलब ब्रह्मा वो क्या करते हैं अपना भवन अपना घर को छोड़ करके कहाँ पर आते हैं, ये मरते जगत में आते। बोले धाई, धाई मतलब दौड़ दौड़ करके। बोले हम दौड़ दौड़ के कहाँ जाते हैं, माल भी है। मतलब उनको पता है ये भागवत कथा की कितना महत्व है, ये ब्रह्मा जी को ये बात पता है। वो क्या करते हैं कहाँ छोड़ कर आते हैं, सत्य लोग को छोड़ कर किसी मरते जगत में कथा सुनने के लिए आते हैं, हैं ये कथा सुनने के लिए आते हैं। इसलिए कभी ये कथा सत्तर लोग में भी नहीं, कभी कथा प्रयास में भी नहीं, इसलिए प्रयास ले लो। मतलब एक बार त्रेतया युग वाही, ये रामचरित मानस का, एक बार त्रेतया युग माही लिखा, सब हो गए कुंभज ऋषि पाई, सब हो गए कुंभज ऋषि पाई। इसका मतलब है एक बार तृतीया युग में क्या हुआ, जब श्री शंकर जी हैं क्या क्या उन्होंने कैलाश को छोड़ करके कहाँ पर आए थे, इसी मध्य जगत में कुंभ ऋषि, कुंभ ऋषि कौन है, अगस्त ऋषि। ये कुंभ से ये प्रकट हुए थे, जिनका नाम कुंभ है, कुंभ से जन्म हुए थे। इसलिए एक बार शंकर जी अपना कैलाश को छोड़ करके कहाँ पर आए थे, इसी मध्य जगत में ये कुंभ ऋषि मतलब अगस्त ऋषि के पास उन्होंने कथा सुनने के लिए आए थे। और जब कथा सुन करके जा रहे थे, इतने में माता सीता के हरण हो गई और कैसे भगवान राम हासते हासते बोल करके पेड़ पौधा लता पता पूछ रहे थे, हैं मेरे सीते को कहीं देखते हो। इसलिए इसमें प्रमाणित तो होता है अगर कहीं शंकर सती को अगर कहीं कथा सुनना हो कहाँ पर आते हैं, किसी
मरते जाए बल इनके बात छोड़ दो बोले वैकुंठ नाचते हैं मेरा सब कहती ये कथा वैकुंठ में भी नहीं है बोले कहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं इसको लो बोले गयउ गरुड़ जहाँ गयउ गरुड़ जहाँ बसई भुसुंडा बसई भुसुंडा राम चरण अति राम चरण अति भक्ति अखंडा अति भक्ति अखंडा। देखो इसमें कहते हैं गरुड़ जी कहाँ रहते हैं कि गरुड़ जी रहते वैकुंठ में हैं ये रहते वैकुंठ में लेकिन एक गयो गरुड़ जहाँ बसई भुसुंडा। लेकिन जब ये गरुड़ जी को कथा सुनने की इच्छा करता है कि गरुड़ जी क्या करते हैं वैकुंठ छोड़ कर आते बोले कहाँ पर जहाँ पर काव भूषण कहाँ रहते काव जगन्नाथपुरी जगन्नाथ नीलांचल हाँ नीलगिरी पर्वत गुफर जगन्नाथपुरी को नीलांचल क्षेत्र बताया गया है। वो वहाँ पर अंदर जगन्नाथ मंदिर के अंदर में कल गुफर क्या जो बटर वृक्ष बढ़िया लग हाँ ताकि वो खुशी खुशी वृक्ष को पर में काग भूषण बैठ के भगवान की कथाओं को सुनाते हैं। इसलिए जब उनकी इच्छा होती है कथा सुनने के लिए कहाँ छोड़ के आते हैं वैकुंठ छोड़ के किसी मर्त जगत में आते हैं। इसका मतलब है कि जो भगवत कथा जब हम कथा सुनाते हैं लोगों को कहते हैं देखो हम लोग कितने सौभाग्यवान हैं क्योंकि देवताओं को अगर कथा सुनना हो तो क्या छोड़कर स्वर्ग छोड़ते हैं। अगर ब्रह्मा जी को कथा सुनना हो तो ब्रह्म लोग को त्याग देते हैं। शंकर जी को पार्वती को कथा सुनना तो उनको कैलाश त्याग देना पड़ता है। गौरव जी को कथा सुनना तो वैकुंठ त्याग देना पड़ता है। लेकिन हम लोगों को कथा सुनना हो तो हमने कुछ बच्चों को किस चीज को त्याग दिया हम लोग ने कहीं भी त्याग नहीं दी जब ये कथा से गंगा स्वयं भैंस बैठे हमारे घर को सामने आ गई और हम बैठे बैठे कथा सुन रहे। इसका मतलब है हम बड़े सद्भाग्या है। इसलिए ये श्लोक याद है बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवत लभ्यम। यदि भागवत कब जीवन में सुनने की सौभाग्य प्राप्त होता है बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम कहते जन्म जन्मांतर का जो पुण्य उदय होती है हैं जब जन्मांतर जन्म का पुण्य उदय होता है तथा भागवत लभ्यम तभी जीवन में ये भागवत कथा सुनने को मिलता है। इसे साधारण भाग्य से ये कथा सुनने को हमें नहीं मिलती है हैं। ये तुमको श्लोक होगा जस्या वही सूर्यमाणाया कृष्ण श्लोक याद है इसमें मीट दे कर लिख लो जस्या वही सूर्यमाणाया कृष्ण परम पुरुषे जिस कथा सुनने पर भगवान जो परम पुरुष जो भगवान कृष्ण में क्या भक्ति मोह भय और अपहा जिसको सुनने से क्या होता है जीवन का समस्त शोक भय और मोह ये सब के सब नष्ट हो जाता है। भागवत में एकादशी स्कंध में बहुत और एक बढ़िया श्लोक है कहते उस श्लोक है न स्खलित न पते बहुत विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर इस श्लोक को बहुत अच्छे तरह से एक एक शब्द को उन्होंने बहुत अच्छे तरह से व्याख्या किया। ये भागवत धर्म है क्या चीज भागवत धर्म है क्या चीज वहां से देख करके इसको तुम लोग उतार सकते हो। बल न स्खले न पते जनास्थाय नरराजन जिस भागवत धर्म को आश्रय ग्रहण करने पर है न प्रमादेत कभी जीवन में
प्रमाद नहीं आ सकता, कभी दुख कष्ट नहीं आ सकता है, ना कलेज ना पते। जो जीव कभी पतन नहीं होता, कब गिरेगा, जो पैर जो फिसलेगा तब तक गिरेगा। लेकिन अगर ये भागवत धर्म को कोई ग्रहण आश्रय ग्रहण करे, अगर भागवत करते करते अगर थोड़ी तुम्हारी कुछ गड़बड़ी हो जाए, भगवान की भक्ति करते करते अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए, तो कभी भी तुम्हें गिरने का कभी चांस नहीं है, कभी तुम गिरोगे नहीं, कभी। इतना इसकी महिमा, इतने इसकी महिमा है। इसलिए बताया गया कि जो भगवान की जो कथा है, अब लोग पहला जो दिन है ना, जितना दूर हो सके भगवान की कथा की महिमा बोलना। इसलिए इसको अलग अलग शास्त्र में अलग अलग इसका नाम दिया गया है। जैसे सुखदेव गोस्वामी, ये भगवत कथा को क्या कहते हैं, बोले विपरीत तस्य रूपी माना भव औषध। इसको उन्होंने जो उदाहरण दिया है भगवत कथा को, उन्होंने किस रूप में उदाहरण दिया है, कहते ये भव औषध, मतलब ये संसार से पार होना कोई चाहते हैं, भव सागर से कोई पार होना चाहते हैं, सबसे जो मीठी दवा है ना, कहते भगवान की कथा। इसलिए उनको उन्होंने क्या उदाहरण दिया है, भव औषध। कहते संसार, कहते ये सुंदर ये दवा। तो यहाँ ये प्रश्न उठाते हैं भैया, अक्सर करके जैसे एलोपैथी की दवा है, आयुर्वेदिक कोई भी दवा खा लेना, अक्सर करके कड़वा बहुत कड़वा होता है, हम क्या करते हैं मुंह में डाल के झट पानी से अंदर में घटका देते हैं। क्या ये भगवान की कथा है, इसे क्या कड़वी है क्या? स्वस्त्र मनोविरामार, कहते कान और जो मन है इसको ये आनंद देने वाले भगवान की कथा है। कहते सुखदेव गोस्वामी इसका क्या नाम दिया, उन्होंने ये नाम दिया जो भागवत कथा है, भगवत कथा है ये औषध। लेकिन इसको हमारे भागवत में सुखदेव गोस्वामी क्या है, निगम कल्प करो, कहीं कहीं पर ये कथा को क्या उदाहरण दिया, ये कथा नहीं ये कल्प वृत्ति है, कहीं पर इसको कल्प वृत्ति नाम बताया, कहीं कहीं पर इसको श्री श्री हमारे श्री कपिल देव क्या कहते हैं, रसायन, इसको कहते रसायन। क्या श्लोक है, सत्ता बीज संविदो भवति वृत्ति कर्म रसायन। इसलिए उनको उन्होंने क्या उदाहरण दिया, कथा को ये कथा नहीं ये रसायन है। कल बता रहे थे रसायन 10 तरह का आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से भी बनती है, जिसको पान करने से शरीर का सब बीमारी तुम्हारी सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, हृष्ट पृष्ट हो जाओ। बल उसी तरह जो भक्ति जगत का ये रसायन क्या है, कभी भगवान की कथा ही ये रसायन है। कहीं पर इसको कथा को क्या बताए, बोले कथा को बताए ये आसव, इसको कथा को बताया क्या आसव, आसव मतलब शराब। ये कथा को क्या बताए ये शराब, ये शराब बताए आसव बताए। जैसे शराब, जैसे रात को पियो सब इसका नशा उतर जाएगा, लेकिन भागवत कथा की रस को पार कर आसव को ये नशा कभी उतरने वाले नहीं, ये नशा हर समय ये बढ़ती रहती है नशा। और ये अगर इसको कोई पान करे, जैसे जगत का जो शराब, अगर पिता अगर शराब पिता है ना, अब देखना कभी भी पिता अपना बेटे को कभी भी नहीं बोलेगा बेटा तू क्या कर, कहीं बोलता बोलता है बेटा मेरे जीवन बर्बाद हो गया, लेकिन तू अपना जीवन बर्बाद बस क्या कर, मेरा जीवन तक गया लेकिन तेरे जीवन बर्बाद नहीं बन गया। लेकिन ये भागवत कथा जो पान एक बार कर देना बस, एक बार जो सक्सेस एक बार पी लेता है, कर क्या होता है वो अपना बेटे को बोले बेटा तू भी एक बार पी कर दे, कितना उसका मस्त दे। अगर पति पी लेगा ना, पत्नी को भी बोलेगा पत्नी तू भी एक बार पी कर दे, अगर पत्नी अगर पी लेगी ना पति को भी बोलेगा भाई तू भी एक बार पी कर दे कितना आनंद है। अगर कोई नहीं पिएगा ना फिर क्या करेगा, अपना पकड़ से पैसा निकाल करके घर को कथा रखवाते ना, सत्संग रखवाते, भागवत कथा रखवाते हैं। जैसे हमारे भक्त लोग जहाँ जहाँ पर प्रचार करते हैं, क्यों एक बार उसने पी लिया उनको पता चला कितना रस है, क्या करते हैं पूरा कथा रखवा, सबसे करवाओ
और एक बार सबके सब मिलकर देखो तो सही, इसमें आनंद है। इसलिए ये भागवत को क्या बताएगा, आ सब ये शराब बताएगा, ये सबसे बड़ा नशा है, इससे बड़ा नशा दुनिया में कुछ भी नहीं, ये सबसे बड़ी नशा है, ये कथा रूपी नशा है। इसलिए इसको आसव बताएगा। और श्री पद्म पुराण में वहां पर क्या बताया, बोले काल ज्याल उदाहरण दिया जो काल है वो काल नहीं, ये व्यालम, व्यालम मतलब सर्प है, ये काल रूपी सर्प को क्या करना है, जीव को ग्रास करना चाहता है। लेकिन अगर ये काल रूपी व्याल से बचना चाहते हो फिर क्या करना पड़ेगा तुमको, भगवत कथा तुमको सुनना पड़ेगा, भगवत कथा तुमको सुननी पड़ेगी। भगवत कथा ही ऐसी चीज है जो ये काल रूपी व्याल से कौन बचा सकता है, भगवान की कथा। इसलिए बोला आयु भारत वही उत्तम श्लोक वार्ता है। इसलिए कहते काल सबका समय तो नष्ट कर सकता है, लेकिन किसका समय नष्ट नहीं कर पाता जो भगवान की कथा सुनता है। इसलिए एक उदाहरण से मान जाए जैसे काल व्यालम, उदाहरण देते हैं जैसे कभी कभी नेवला सांप में लड़ाई होता है, देखो नेवला सांप कौन देखे, हाथ उठा सब देखो, जब नेवला सांप में लड़ाई होती है अगर किसी तरह से सांप अगर नेवला को काट देता है ना, और नेवला कहता भैया एक्सक्यूज मी सर रुक जा मैं अभी आता, क्योंकि नेवला को पता है इसका दवा सांप है, तो फिर नेवला क्या कहता है, उसको पता है दवा किसको भागते हुए जाएगा, अब झट वो दवा को ले लेगा, लेकर ले आ जाए फिर वो सांप के साथ फिर लड़ाई करेगा, लड़ाई करते करते फिर अगर सांप काट देगा ना, बोले भैया थोड़ी देर रुक जा एक्सक्यूज मी थोड़ी रुक मैं अभी आता हूँ, फिर जाएगा, फिर जा करके फिर वो दवा को फिर खाएगा, फिर आएगा वो ऐसे करते 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 लास्ट में क्या करता है, सांप मार देता है, सांप मार देता है। कहते उसी तरह ये काल रूपी जो व्याल है, ये काल रूपी जो सर्प है, वो जीव को क्या करना चाहते हैं, जीव को ग्रास करना चाहते हैं, लेकिन इससे बचने का सबसे बड़ा उपाय है कृष्ण कथा। जैसे हम लोग यहाँ भगवान कथा सुन रहे हैं, भगवान कीर्तन कथा सुन रहे हैं, ये काल का प्रकोप तो सबको पर पड़ता है, लेकिन जो भगवान की कथा सुन रहे हैं ना इसको पर काल का कोई भी प्रकोप नहीं पड़ता है, काल इसको पर असर नहीं कर सकता, क्योंकि काल चक्र डराए देखा विष्णु दास, जो काल चक्र है वो काल को सबके सब डरते हैं लेकिन कौन नहीं डरता है, तो भगवान जो भक्त है जो विष्णु का जो दास कृष्ण का जो दास है ना, केवल वही व्यक्ति ये काल को नहीं डरता, क्यों हर समय भगवत कथा दिन भर भगवान की कथा सुनते हैं, इसलिए ये काल की प्रकोप भक्तों को घर में नहीं पड़ता है। इसलिए शास्त्र में ये जो भगवत कथा को अलग 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 नाम दिया, ठीक है आज यही विश्राम लेते हैं, आज मैंने जितना कथा सुनाया कहीं भी कहीं जाओ तुम लोग, अगर इतने मतलब संकट में सुनाया तुम लोग इसको जितने व्याख्या करते हुए बहुत अच्छे तरह जितने व्याख्या करते हुए कथा को तुम लोग सुना सकते हो। देखो मैंने जो सुनाया तुमको पता नहीं होगा मैंने कितने कितने जगह से थोड़ी थोड़ी सोच सुनते हुए तुम लोगों को सुनाया, लेकिन तुम लोग एक साथ में सुन लिया, इसलिए कितनी कथा भी अगर मैं गया था ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया में मैं किसी गाँव के अंदर में गया, गाँव के अंदर में गया था एक बार, मैंने ये कथा के जैसे स्वर्गीय सत्य से कैला से वैकुंठ इसी केवल श्लोक मैंने व्याख्या की, जब मैंने व्याख्या की एक श्लोक को वहाँ पर जो मंदिर का पुजारी था ना उसने, मैं जब एनटीआर में आ गया फिर मेरे उसने फोन किया, मेरे उसने फोन किया बोले बाबा आप तो उस श्लोक को व्याख्या कर रहे थे, आप तुलसीदास रामायण से कुछ कुछ चौथाई बोल रहे थे, बोले हाँ, बोले मेरे को दो बार अच्छा बोलो, ऑस्ट्रेलिया से फोन आया, बोले आप कथा की इतने में तो बहुत कथा के नहीं सुन, लेकिन ये श्लोक मैंने कभी नहीं सुना, ये स्वर्ग में भी नहीं, सबसे लोग में भी नहीं, वैकुंठ में भी नहीं, कैलाश में भी नहीं, वो कथा केवल भारत कथा केवल के मत जगत में है, इसलिए इसलिए इसकी जब कहीं की कथा सुना इतना अगर कहीं अमृत बताया, अमृत कहाँ पर बताया, तब कथा इसको लिख लो, इसलिए अगर ये एक एक श्लोक को कहीं कथा की महिमा बोलोगे ना
बहुत इतनी कथा, बहुत कथा की महिमा इसमें, बहुत कथा की महिमा। ठीक है, मैं कल आज पर बोल दिया ऐसे नहीं, कल मैं सबको मैं पूछूंगा, सबको कल मैं पूछूंगा ऐसे नहीं, मैं पूछूंगा से डर कर नहीं आओ। देखो देखो, सीखने के लिए सारा दिन अभी है, अभी समय को बर्बाद नहीं करके उन्हें जो श्लोक है, जो श्लोक उनको याद अच्छी बात है, और जो श्लोक याद नहीं होगा, याद नहीं है, कोशिश करना उस श्लोक को याद करने की कोशिश करना। ऐसे दिन भर इधर उधर जितना सेवा है वो उस सेवा को करते हुए जो अवशिष्ट तुम्हारी समय बचेगा, उठते बैठते सोते पूरा के पूरा इसको याद करना। कल मैं सबको पूछूंगा कि कथा की क्या महिमा और शास्त्र में कहाँ कहाँ पर क्या क्या बताया, और मैं कल में सब तुम लोग से सबको सुनूंगा। ठीक है, कोशिश करना, मैं तो कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम लोग कोशिश करना जितना दूर हो सके सीखने के लिए। ठीक है, फिर कल कल जो सवेरे हम जो पद्म पुराण की जो कथा, वहाँ पर दो कथा आती है, एक धुंधुकारी गोकर्ण की और एक ज्ञान भजन। मुझे लगता है तुम लोग पढ़े हो, जानते हो, इसलिए अगर हो सके मैं तुम लोगों को अगर पुस्तक खड़ा करूँगा, मतलब तुम भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, इसलिए कल बोल सकते हो थोड़ी। उसमें तो जैसे उसमें जो है ना पूरा जो कथा तो बहुत है, लेकिन उसमें जो सार सार वस्तुओं को और उसमें जो इम्पोर्टेंट श्लोक है वो श्लोक को ध्यान करना, जो इम्पोर्टेंट श्लोक है उसको पूरा के पूरा तुमसे श्लोक, उसको बहुत महिमा, उसमें इतने महिमा बताया पद्म पुराण में। और ये पुराण है स्कंद पुराण, तुम यहाँ से खरीद कर लिया वहाँ पर मिल जाएगा स्कंद पुराण। इसे दो पुराण में ये भागवत कथा की महिमा, जो बड़ी भागवत है तुम लोगों के पास में होगी ना, जो मोटी भागवत है जिसमें श्लोक और उसकी मीनिंग, श्लोक उसकी मीनिंग है, उससे जो मैंने श्लोक को श्लोकों को याद करना, अगर उसमें टीप लगा देना करके उस श्लोक को याद कर लेना। और पद्म पुराण में जो कथा की महिमा बहुत अच्छी, ब्रज की महिमा बहुत अच्छी महिमा है, उसको भी स्कंद पुराण है वो महिमा, वहाँ से जाकर ना जो लोग ग्रंथ होगा दो सारी ग्रंथ ले आना, केवल छोटे छोटे ग्रंथ होगा उसको लेना और ला करके तुम लोग अगर एक बार देख लोगे, बहुत अच्छी बात ब्रज कथा सुन, केवल ब्रज में ब्रज कथा वहाँ पर बना, बहुत सुंदर कथा है। इसलिए देखो दो चार दिन में उसको ठीक कर लो भागवत महिमा को। ठीक है, और भागवत महिमा को ठीक कर लोगे फिर मैं कोशिश करता हूँ, फिर शाम को अभी तो भागवत का प्रथम स्कंद चले, और जो शाम को है ना दसम स्कंद की कथा सुना। ठीक है, लेकिन अब प्रभु जी ने तुम लोगों को सब दसम स्कंद की कथा सुनाया है तो अब उस कथा को मैं फिर फिर सुना दूंगा, और तुम लोग कोशिश करना उसको भी तैयार करने के लिए। ठीक है, सवेरे इसको और शाम को वो दोनों को अगर चलते हुए चलो, और जितना दिन हो सके जितना तुम लोग सीख सकते हो तुम सीख सकते हो। ठीक है, बादशाह गुरु दुर्भ सर कृपा गुरु दुर्भ पतितानं पावने।